कांग्रेस पार्टी दे उपप्रधान राहुल गांधी वालों 1984 सिख कतलेआम बारे दिते गए बयान ते सियासत पक गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी के बयान से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नूं सिख कतलेआम के मसले से बेकिरकी दा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बड़ा शर्मसार बयान दिता है राहुल गांधी वाइस प्रेजिडेंट एक नैशनल पार्टी के, और जो मैं कहा गया कि क्या तुम 1984 के अंदर जेडे 3000 सिखा का कतलेआम होया उस पर शर्मिंदगी जे तुम अफसोस आ। उन्हें कहा कि नहीं, बहुत सारे लोग ये मारे गए, सदा कोई कांग्रेस भी इनवॉल्व होने, मैं कांग्रेस अंदर नहीं सी। ये कह के उन्होंने अपना पासा वट लिया जवाब देने। बड़ी शर्मिंदगी की गल है कि नैशनल वाइस प्रेजिडेंट ऐसा बयान दे। कौन सी वो बहुत सारे कांग्रेसी, क्या उन्होंने जानकारी नहीं कि वह सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर उन्होंने पार्टी अंदर उच्चे उच्चे पद दिते ने। जदों कोई ये आदमी कहता कि मैं यदि शर्मिंदगी नहीं, मतलब यह है कि वो एक कहना चाहता कि मैं इस गर्व महसूस करता जो मैं शर्मिंदगी नहीं। राहुल गांधी ने कितने कितने आज इनडायरेक्ट तरीके ने यह किया है कि मैं गर्व महसूस करता है कि 1984 के दंगे हुए। उन्होंने कहा कि 1984 अंदर बेकसूर सिखों का कतलेआम होया, मैं ये शर्मिंदा नहीं, मतलब कि मैं ये गर्व महसूस करता है। और एक गल उन्होंने जी बड़ी हैरानगी वाली कही कि ये अंदर बहुत सारे लोग जोड़े मारे गए। मैं इस वायलेंस के खिलाफ हाँ, और जिन्हों लोगों ने यह सब किया मैं उन्होंने निंदा करदा। तो फिर क्या तुम ये कह सकते जो स्टेटमेंट कि तुम अपने पिता की निंदा करते जिन्हें 1984 अंदर कतलेआम कराया? क्या तुम ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते जो अपनी माता की निंदा करते जिन्हें श्री अकाल तख्त साहब से हमला करके किन्ने बेकसूर सिखा मरवाया? देश की धरती से तो तुम झूठ बोलते सी, पर विदेश की धरती से जाके ये काम करोगे ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी शर्म की गल, बड़े अफसोस में कहना पा रहा है ये पार्टी सिखा की दुश्मन सी, है और रहूगी।